जुलाई गॉट वैक्सीनेटेड, मैंने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज फर्स्ट शॉट ले लिया है और दूसरा जो है वो 21 डेज के बाद होगा, तो वो भी शेयर करूँगी मैं आपसे आज की वीडियो में। मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे इसके साइड इफेक्ट क्या फील हुए और मैं कैसा फील कर रही हूँ और मैंने कौन सी वाली लगवाई है। और आप लोग भी इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। वैक्सीनेशन टाइम, यस इट्स वैक्सीनेशन टाइम। वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ, आई होप कि सब खैरियत रहे। डर भी आ रहा है, यस अफ्रेड ऑफ। कितनी देर रगड़ूं? रब कितनी देर करना है? बस वैक्सीन लगवाए हुए मुझे तकरीबन 20 आवर्स हो गए हैं और बहुत फटीक फील कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना वो थकी थकी सी महसूस हो रही है। यूजुअली मैं 10 बजे जितना भी लेट सोऊँ, मैं 10 बजे 11 बजे उठ जाती होती हूँ। मतलब मैं अगर पूरी रात ना भी सोऊँ इवन देन, अगर आज मैं 1 बजे उठी हूँ मुझे नहीं उठा गया। आई वॉज टोटली टायर्ड, बहुत स्लीपी थी मैं और बिल्कुल वो थी, लेथार्जिक थी मैं, आई कुडंट इवन मूव। तो मैंने ट्राई किया 2 बजे दोबारा उठने की कोशिश की मगर मुझसे कोई काम नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी बहुत लो हो। तो मैंने अभी बीपी चेक किया है तो मेरा बीपी भी बहुत लो है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे अभी फर्स्ट डोज लगी है और इस फर्स्ट डोज के बाद जो है ना सेकंड डोज लगेगी। सेकंड डोज के बाद ही जो भी वैक्सीनेशन है वो अपना काम सही तरीके से करती है। तो जो मुझे इसके साइड इफेक्ट्स फील हुए हैं वो उसमें जो मैक्सिमम जो मुझे फील हुआ है वो बहुत फटीग है, थकन है और बहुत ज़्यादा वो है, लेजीनेस है, बीपी लो है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मुझे कोई भी इवन मैं वो बंदी हूँ जो कि इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकती। लिटरली बहुत पेनफुल लगता है मुझे। तो मैंने जब उन्होंने लगाई है मेरे, मैं शायद शूट कर रही थी कुछ ऐसा कि मैं कैमरा की सेटिंग कर रही थी तो उसी में वो लग गई है। डाइवर सरप्राइज्ड और पेन तो जाहिर है हुई और उसके बाद अभी तक हो रही। हाँ यहाँ पर पेन हो रही है, पेन हो रही है। पेन किस तरह हो रही है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगा था उधर पेन है, पूरे बाजू में कल पूरी रात होती रही है। मतलब मैंने 27वीं रात को 10 बजे वैक्सीनेशन लगवाई। उसके बाद मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने कुछ फ्रूट्स हमने लिए, हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम घर में गुजारा बच्चों के साथ। उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद कुछ इबादत वगैरह की, ठीक है, इबादत वगैरह कोई ख़ास नहीं, बस जितनी भी की पॉसिबल था। इबादत के बाद तकरीबन 1:30 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे गई और मैंने 30 मिनट बहुत तेज़ कदमों से वॉक की। यस एट दैट टाइम आई फेल्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, मुझे थकन फील होने लग गई आई फेल्ट। और अभी इबादत भी करनी थी, 27वीं रात भी थी, मैं सो भी नहीं सकती थी और मैं 10 बजे की उठी हुई थी। मैं मगरिब के बाद भी नहीं सोई थी, आई डिडंट स्लीप एनी टाइम ऑफ द डे ड्यूरिंग द डे एनी हाउ। उसके बाद क्या हुआ कि वापसी पे थोड़े से नवाफिल पड़े, वॉक से वापसी पे 3 बजे मैं सहरी बनाने चली गई। सहरी बनाई, बच्चों को कराई, खुद की सहरी। उस टाइम तक इतनी थकन हो चुकी थी आपको बता नहीं सकती, आई कॉन्ट टेल। इतनी हो गई कि मैं नमाज जो थी ना फजर की वो मैं नहीं पढ़ सकी खड़े होकर, मैंने बैठ के पढ़ी, राइट एट द अजान टाइम पढ़ी। आई कुडंट वेट और फौरन नमाज पढ़ी और मैं बेड पे गिर गई। और उसके उठने के बाद की सिचुएशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा फटीक है, उठ नहीं पा रही हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे बहुत लेट नहीं सो सकती, मतलब आई फील टायर्ड कि मैं अगर ज़्यादा देर तक सोती रहूँ तो मैं खुद टायर्ड हो जाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा चबी साइड इफेक्ट नहीं है, बट बीपी लो जा रहा है। अभी वो ठीक होगा रोज़ा खुलने के बाद ही, अभी तो नहीं ठीक हो सकता, अभी कुछ खा नहीं सकती। हाँ कोई गुस्सा दिला दे तो और बात है। तो जनाब अभी 24 आवर्स के बाद की भी फीलिंग्स जो है ना वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ जी। तो जनाब वैक्सीनेशन लगवाए हुए मुझे तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 24 घंटे में मुझे कोई ख़ास साइड इफेक्ट फील नहीं हुआ। मुझे तो लगता है आपको बड़े साइड इफेक्ट हो गए हैं। क्यों? आप जब से लगा कर आइए, आप लड़ाई पे लड़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई का की जा रही है और कुछ नहीं। ये किस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट हैं? ये बस आपने जो लगवाई है उसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। लो भाई, वैक्सीन का साइड इफेक्ट आ गया। मतलब मैं पढ़ाई पे पढ़ाई कराए जा रही हूँ और लड़ाई पे लड़ाई। लेकिन मैंने की नहीं है तब की पढ़ाई। अच्छा तो क्या फ़ायदा हुआ फिर ऐसी वैक्सीनेशन का? साइड इफेक्ट जनाब यह है कि इससे आज मोबाइल छीन लिया गया है और इसको पढ़ने का बोला है, तो अब इसको ये लग रहा है कि ये वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट मुझ पे आया है, जो मैं इतनी अग्रेसिव हो रही हूँ और इस तरह के एक्शंस ले रही हूँ, है ना? यस। वैसे इस वैक्सीन का ये वाला साइड इफेक्ट तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कसम से। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, वैक्सीनेशन लगवाए हुए मुझे 24 आवर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दौरान मैंने कोई भी सीरियस जो है वो साइड इफ़ेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं फील हुआ। ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी फैमिली में जो 60+ जो लोग थे उन्होंने भी लगवाई थी। जब 60+ लोगों को लग रही थी गवर्नमेंट की, तो उनको भी मैंने कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल आर फाइन फिट अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो मुझे फील हुआ वो सारा मैंने आप लोगों से शेयर किया। दैट वाज ओनली बीपी लो, दैट वाज ओनली फटीग और लेजीनेस, और मतलब बहुत शदीद किस्म की फटीग थी, थकन महसूस हुई, जिसमें मेरी अपनी भी कुछ रूटीन का भी हिस्सा हो सकता है डेफिनेटली। तो आई फाइंड इट सेफ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी रहे। अभी ये फर्स्ट डोज है और ये चाइना की जो साइनोफार्म है ये वो वाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि क्या जो लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं उनको दोबारा भी कोविड होने का ख़तरा होता है? तो इनके चांसेस जो होते हैं ना, जो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कह रही हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। इन 80-85% में आपको कोविड होने के चांसेस नहीं होते। यू कैन फाइट दैट वायरस वेल। और उसके बाद ये भी है कि एक डोज वाली जो होती वो ज़्यादा सही होती है दो डोजेज वाली। पूरी दुनिया में इस टाइम ज़्यादा जो चल रही है वो दैट आर टू डोजेज। दो डोजेज जो होती हैं वो आपको 20-21 डेज के गैप से लगती हैं। मेरी अभी आज लगी है, कल लगी है, मतलब 24 घंटे हो गए हैं। अब इंशाल्लाह 21वें दिन मैं इसकी सेकंड उसके लिए जाऊंगी। और व्हाट आई फाइंड, बहुत ही मतलब आराम से हो गया ये सारा प्रोसेस, बहुत इजी था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। मुझे खुद बहुत ज़्यादा फियर से कि ये वैक्सीनेशन लगवाने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ हो ना जाए, मतलब मुझे कुछ हो ना जाए। आई वॉज सो मतलब क्या कहते हैं, अफ्रेड ऑफ इट ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, नो आई एम नॉट। मुझे सबसे ज़्यादा डर जो था वो इंजेक्शन लगवाने का था, टीका। ओह यस, खैर टीका तो बहुत ही आराम से लग गया, इतना आराम से लग गया कि पता ही नहीं चला। खैर, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग वैक्सीनेशन कराएं। आप लोगों को इसके जाहिर है, अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जाहिर है बहुत ज़्यादा क्राउड में तो आपको वैसे भी नहीं जाना चाहिए, बट ये है कि आप सेफ हो जाते हैं इस वायरस से। और इट डजेंट मीन कि आप अब वो उतार के मास्क और दुनिया में और क्राउड में जाकर घुस जाएं, जी मैंने वैक्सीनेशन लगवा ली है बस अब मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो इट्स नॉट लाइक दैट। केयर ज़रूरी है, केयर करनी चाहिए, बट ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना हाई हो जाता है कि आपको इस वायरस के अटैक के जो चांसेस हैं वो 80% में कम हो जाते हैं। ओनली 10-20% आपका उसमें पीछे रह जाता है, जिसमें बहुत लाइट सा होने के चांसेस होते हैं। दिस इज व्हाट रिसर्च सेज। तो आप लोग जाकर प्राइवेटली भी इसको लगा सकते हैं। प्राइवेटली है कि आपको ये महंगी पड़ेगी, और अगर आप गवर्नमेंट की लगवाएंगे तो वो आपको फ्री में पड़ेगी, क्योंकि चाइना से बहुत ज़्यादा इमदाद जो है पाकिस्तान को वो फ्री में भी आई है। तो वैक्सीनेशन के बारे में जो आप लोगों के फियर्स हैं उनको दिल से निकाल दें।
अब बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशंस कितने टाइप की पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो है साइनोफार्म, ये चाइना से दरामद शुदा है और इसकी जो एफिकेसी रेट है वो तकरीबन 79-80% है और ये 2 शॉट्स में लगती है और ज़्यादातर पाकिस्तान में ये यूज़ की जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो 27 कंट्रीज़ जो हैं अराउंड द ग्लोब इसको अप्रूव कर चुके हैं। नंबर 2 पे है जो कैनसाइनो जो है वो 1 शॉट है, 1 शॉट है, मेरे कज़न ने वो लगवाई हुई है। एनी हाउ उसको उसका थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट फील हुआ था बनिस्पत इसके जो 2 शॉट हैं। 2 शॉट वाली जो है वो थोड़ी ईजी होती है, आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बयान कर रही हूँ कि मैं 2 शॉट्स वाली पे जा रही हूँ, जो मेरी फैमिली में 1 शॉट वाली लगवाई हुई है कैनसाइनो के बारे में कहा जाता है कि इसका ओवरऑल जो है 65 के अराउंड इसका जो एफिकेसी रेट है, बट पाकिस्तान में ये 75 तक जाती है इसका एफिकेसी रेट जो है, और ये 1 शॉट है और ये तकरीबन 4 से 5 ममालिक हैं थी दुनिया में जिन्होंने इसको अप्रूव किया है। उसके बाद जो रशिया की वैक्सीनेशन है वो है स्पुतनिक 5, ये रशियन है, ये भी 2 शॉट है और इसका एफिकेसी रेट भी अराउंड यही है। पाकिस्तान में इसका जो एफिकेसी रेट है वो 92 है और ये भी 2 शॉट्स में लगती है, मतलब ये 92% जो है ना वो आपको प्रोटेक्शन देती है। जबकि जो कैनसाइनो है वैक्सीन वो दुनिया की पहली वैक्सीनेशन है जो कि स्टार्टिंग में 2020 के जो आई थी और ये टेस्ट हुई थी। पाकिस्तान में जो इस टाइम साइनोफार्म ज़्यादा लग रही है, मैंने भी साइनोफार्म 2 शॉट वाली पे गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो मैंने सारे आप लोगों से शेयर कर लिए हैं। अगर आप लोग ये पर्सनली लगवाएंगे तो आप लोगों को ये 10-12,000 पर जो है वो डोज पड़ेगी। तो जनाब आपको सेकेंड डोज का भी मैं ज़रूर बताऊँगी व्हेन आई विल गेट फुली वैक्सीनेटेड। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एनर्जी लेवल हाई हो गया है, मेरा बीपी भी ठीक हो गया है क्योंकि मैंने अफ्तार कर लिया है। अफ्तार में ढेर सारा खाने के बाद यू गेट रिलैक्स्ड एंड आपका बीपी जो है वो लो वाला शूम करके ऊपर चला जाता है और अब चाय पीने के बाद तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।